गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। शीत युद्ध के विघटन के परिणाम में सबसे पहला है आपका शीत युद्ध के दौर की समाप्ति, यानी सोवियत संघ की दूसरी दुनिया एवं पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन का प्रथम परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति के रूप में हुआ। समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को हटा पाएगी या नहीं, ये विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा। समाजवादी और पूंजीवादी व्यवस्था के विचारात्मक शीत युद्ध के इस विवाद ने दोनों गुटों की सेनाओं को उकसाया था। हथियारों को तीव्र होड़ शुरू की थी, परमाणु हथियारों के संचय को बढ़ावा दिया था और विश्व के सैन्य गुटों में बाँट दिया था। शीत युद्ध के समाप्त होने से हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई और विश्व शांति की संभावना का जन्म हुआ। दूसरा है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शक्ति संबंधों में बदलाव, यानी शीत युद्ध के अंत के समय केवल दो संभावनाएं थीं, या तो ये बनी हुई महाशक्ति का दबदबा रहेगा या एक ध्रुवीय विश्व, या फिर देशों के अलग अलग समूह या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे और इस प्रकार बहुध्रुवीय विश्व बनेगा। किंतु हुआ ये कि अमेरिका महाशक्ति बन बैठा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शक्ति संबंधों में भी बदलाव आ गया। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पूंजीवादी व्यवस्था के प्रभाव में वृद्धि। सोवियत संघ के विभाजन से संपूर्ण विश्व में साम्यवाद का प्रभाव भी कम हो गया था, जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पैठ बनाने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व की सबसे प्रभावशाली अर्थव्यवस्था बन गई। चौथा है नए स्वतंत्र देशों का उदय। चौथा महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि सोवियत खेमे के अंत के साथ ही नए देशों का भी उदय हुआ। सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्यों का संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में उदय हुआ, जिसमें राष्ट्र थे इसमें वो इस प्रकार हैं, रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, बेलारूस, इस्टोनिया, लिथुआनिया, लताविया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान, तजाकिस्तान, मालदोवा, कजाकिस्तान। इनमें से कुछ देश विशेष रूप से बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश यानी कि यूरोपीय संघ से जुड़ना और उत्तरी अटलांटिक संघ यानी कि नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे। मध्य एशिया के देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाना चाहते थे। इन देशों ने रूस के साथ अपने रिश्ते भी मजबूत किए और पश्चिमी देशों यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन तथा अन्य देशों के साथ संबंध भी बनाए। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई देश सामने उभर कर। फिर है बच्चों पांचवा, खनिज तेल भंडारों पर अमेरिकी प्रभाव का बढ़ना। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका पर अब किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने धीरे धीरे प्रत्येक क्षेत्र में अपना वर्चस्व भी स्थापित करना शुरू कर दिया था। फिर है बच्चों उसके बाद हिंसक और अलगाववादी आंदोलन का प्रारंभ। सोवियत संघ से अलग हुई कई गणराज्यों में अनेक कारणों से संघर्ष होना शुरू हो गया। चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चला। तजाकिस्तान लगभग 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा और अजरबैजान, जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान आदि में मौजूदा शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए भी आंदोलन चल रहे थे। फिर है बच्चों आपका अगला पॉइंट है तृतीय विश्व का आघात। सोवियत संघ के पतन के कारण तृतीय विश्व के देशों को गंभीर आघात का सामना भी करना पड़ा। तृतीय विश्व के देशों को सोवियत संघ के द्वारा भारी मात्रा में आर्थिक, सैनिक तथा तकनीकी सहायता भी प्राप्त होती थी। अब तृतीय विश्व के देशों को अपने आर्थिक विकास के लिए अमेरिका तथा पश्चिमी देशों पर आश्रित होना भी पड़ा। ये देश तृतीय विश्व पर आर्थिक सहायता के द्वारा दबाव की कूटनीति थोप रहे थे और उन्हें अपने हितों के अनुसार निर्णय लेने को भी बाध्य कर रहे थे। इससे तृतीय विश्व को अब नए उपनिवेशवाद के खतरे का सामना भी करना पड़ रहा था। आठवां है साम्यवादी विचारधारा को आघात, यानी कि सोवियत संघ के पतन ने तृतीय विश्व में साम्यवादी विचारधारा के प्रचार को भी गहरा आघात मचाया। अब केवल चीन, उत्तर कोरिया, वियतनाम और क्यूबा ही साम्यवादी देश रह गए थे। फिर है बच्चों शॉक थेरेपी। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस पूर्वी यूरोप तथा
मध्य एशिया के देशों में साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के लिए एक विशेष मॉडल अपनाया गया, जिसे कि शॉक थेरेपी कहा गया। शॉक थेरेपी का मतलब है आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी के परिणाम, अर्थव्यवस्था का सबसे पहला है अर्थव्यवस्था का तहस नहस होना। 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता को उपभोग के उस आनंद तक ले गई जिसका उसने वादा किया था। शॉक थेरेपी से पूरे देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और जनता को बर्बादी की मार भी झेलनी पड़ी। रूस में पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। लगभग 90% लोगों को निजी हाथों में अथवा कंपनियों को बेच दिया गया। आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण चूंकि सरकार द्वारा नियंत्रित औद्योगिकीकरण नीति की अपेक्षा बाजार की शक्तियां कर रही थी, इसलिए ये कदम सभी उद्योगों को नष्ट करने वाला सिद्ध हुआ। दूसरा है रूसी मुद्रा, यानी कि रूबल। जो रूसी मुद्रा थी वो रूबल थी, उसमें गिरावट आई। यानी शॉक थेरेपी के कारण रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई और मुद्रा स्फीति इतनी अधिक बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। फिर है तीसरा, खाद्यान्न सुरक्षा की समाप्ति। शॉक थेरेपी के कारण सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो गई और अब लोगों की खाद्यान्न सुरक्षा व्यवस्था भी समाप्त हो गई, जिस कारण लोगों के समक्ष खाद्यान्न की समस्या भी उत्पन्न होने लगी थी। रूस ने खाद्यान्न भी आयात कर लिया। पुराना व्यापारिक ढांचा तो टूट चुका था, लेकिन उसके स्थान पर कोई नया वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकी थी। फिर है समाज कल्याण की समाजवादी व्यवस्था को नष्ट किया जाना। सोवियत संघ से अलग हुए राज्यों में समाज कल्याण की समाजवादी व्यवस्था के क्रम को नष्ट किया गया। समाजवादी व्यवस्था के स्थान पर नई पूंजीवादी व्यवस्था को भी अपनाया गया। इस व्यवस्था के बदलने से लोगों को प्रदान की जाने वाली राजकीय रियायतें जो हैं वो समाप्त हो गई थी, जिससे कि अधिकांश लोग निर्धन वर्ग के नाम से जाने लगे। इस वर्ग ने यहाँ की अधिकांश आर्थिक गतिविधियों को अपने हाथों में भी ले लिया। पांचवा है आर्थिक असमानताओं का जन्म। निजीकरण ने नई विषमताओं को जन्म दिया। पूर्व सोवियत संघ में शामिल गणराज्यों और विशेष रूस में अमीर और गरीब के बीच गहरी खाई तैयार हो गई थी। अब धनी और निर्धन के बीच गहरी असमानताओं ने भी जन्म ले लिया। फिर है छठा, लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण को प्राथमिकता नहीं। सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्यों में शॉक थेरेपी के अंतर्गत आर्थिक परिवर्तन को बड़ी प्राथमिकता भी दी गई और उसे पर्याप्त स्थान भी दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका। इन सभी देशों में जल्दबाजी में संविधान भी तैयार किए गए। रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बनाया गया और उसके हाथों में अधिकांश शक्तियाँ प्रदान कर दी गई। इसके फलस्वरूप संसद अपेक्षाकृत कमजोर संस्था बन गई। सातवां टॉपिक है बच्चों, शासकों का सत्तावादी स्वरूप। एशिया के देशों में राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियां प्रदान कर दी गई और इनमें से कुछ सत्तावादी हो गए। उदाहरण के लिए तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने पहले 10 वर्षों के लिए अपने को इस पद पर बहाल किया और उसके बाद वो समय सीमा को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। आखिरी टॉपिक है बच्चों आपका, न्यायपालिका की स्वतंत्रता स्थापित नहीं। सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्यों में न्यायिक सांस्कृतिक एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता अभी तक स्थापित नहीं हो पाई, जिससे स्थापित किया जाना बहुत ज़रूरी था। इसके अतिरिक्त कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट है बच्चों, वो आप लोग लिख लीजिएगा अपने पास। बोरिस येल्सिन रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति थे। जोसेफ स्टालिन खेती का बलपूर्वक सामूहिकीकरण करने वाले रूसी नेता थे और पूर्वी दुनिया का साम्यवाद की प्रेरणा स्रोत जो है वो व्लादिमीर लेनिन थे। अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे संघर्ष और तनाव।